असलकम टीचर्स आप लोग को जिस तरह से असाइनमेंट्स में जो बच्चे नहीं आपके असाइनमेंट टर्न इन कर रहे हैं उनके लिए लिस्ट बनाना एक लमसम लिस्ट बनाना बहुत आसान है यहाँ मैं आप लोग को अपनी दिखा रही हूँ फर्स्ट ईयर ह्यूमैनिटीज की क्लास रूम में हूँ मैं और यहाँ पे मैंने क्लास वर्क दिया हुआ है कुछ बच्चों को तो मैं आप लोग को यहीं से बता देती हूँ कि किस तरह से आप लोग लमसम अपने पूरे इतना डेटा डेटा शीट एक बना सकते हैं बच्चों के नाम की कि जो असाइनमेंट टर्न इन नहीं करवाता यहाँ पे आप जैसे ये असाइनमेंट था मेरा फर्स्ट उसका मैंने व्यू असाइनमेंट किया और व्यू असाइनमेंट करने के बाद मेरे पास इतने बच्चे आ गए यहाँ पे आप देखेंगे कि गेर आइटन गेर आइकन है इस गेर आइकन को आप क्लिक करिएगा और यहाँ पे डाउनलोड दीज ग्रेड्स पर क्लिक कर लें तो जैसे आप डाउनलोड करेंगे क्लिक असाइनमेंट तो देखें आपके पास असाइनमेंट का नाम जैसे मेरे पास था क्रिएट एन एनिमेटेड बैनर बाय वाचिंग यूट्यूब वीडियो ये मैंने बनाया था और उसके ऊपर मैंने यही जो असाइनमेंट है असाइनमेंट नेम आ गया और मेरे पास पहले से डाउनलोडेड है इसलिए तो मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रही हूँ या अभी आप कहीं पे भी सेव कर लीजिए फिर आप विंडोज में गए और विंडोज में आपने एक्सेल टाइप किया और मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टू यूज कर रही हूँ मैंने इसको ओपन किया और ओपन जो असाइनमेंट मेरा जहां पे भी सेव्ड है CSV format होता है है ये एक format है Excel का इस format में आप डाउनलोड कर चुके हैं अपने पास पास अब इसी format से मैं first में मैंने क्योंकि पे आपके पास all files select करना पड़ेगा all files के अंदर जो असाइनमेंट नेम है ये फाइल आ गई है आपके ओपन करें आप जब इसको ओपन करेंगे तो देखें आपके पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम सही है स्टूडेंट्स का ईमेल एड्रेस जितने बच्चों को जो ग्रेड आपने दिया हुआ है जिन्होंने टर्न इन नहीं किया है असाइनमेंट उनका नाम और जिन्होंने टर्न इन किया है उनका नाम भी सेव हो जाएगा तो इस तरह से आप लोग एक शीट बना सकते हैं इनसे यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए नामों को आईडीज को इनके और जिन्होंने इस तरह से आप लिस्ट एक क्रिएट कर सकते हैं आराम से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं नई एक असाइनमेंट लिस्ट बना लीजिए यहाँ से कॉपी कीजिएगा ठीक है ये, ये सब कॉपी कर लें या राइट क्लिक किया कॉपी किया नई असाइनमेंट नया एक फोल्डर कर लें सॉरी नई फाइल क्रिएट कर लें और पे आपने इसका इन बच्चों का नाम पेस्ट कर दिया कि जिन्होंने सिर्फ आप लोग का असाइनमेंट नहीं किया खाली उन बच्चों को कलेक्ट करना है ना आपको आप बस इन बच्चों को कर लीजिए इस तरह से आप बच्चों को नाम के साथ उनके आईडी के साथ बच्चों को कॉल आउट कर सकते हैं और उनके नाम सेव कर सकते हैं होप ये आपको अच्छा लगा होगा करना थैंक यू वेरी मच और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग प्लीज बता दीजिएगा